तो हेलो भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। एंड भाई लोग, पिछली वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। एंड भाई लोग, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया था कि भाई हम इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं। तो भाई लोग, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोलो रैंक पुशिंग का पार्ट टू, कि कैसे आप लोग सोलो में अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, वो भी अपने 2-3 GB रैम के फ़ोन में। ठीक है, तो आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है एंड कौन से न्यू स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड गाइस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो भाई लोग, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई लोग हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट रहा तो हमारी 2K की फैमिली ज्यादा दूर नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया मेरा मुंह से निकल के मर जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ये है हमारा रैंक मैच एंड गाइस यहाँ पे मैं उतरा हूँ प्लांटेशन में। तो भाई लोग, आपको उतरना कहाँ पे है, कैसे आपको लैंडिंग करनी है, ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, बट अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एक बार फिर से सुन लो। तो भाई लोग, अगर आप लोग सोलो रैंक मैच खेल रहे हो तो ऐसे में गाइस आपको वहाँ पे उतरना है जहाँ पे आपको सेफ फील होता हो, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई और एनिमी नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग मान लो कि आप यहाँ पे प्लांटेशन पे उतर रहे हो, ठीक है, एंड आपके सामने कोई और एनिमी उतर रहा है, तो ऐसे में आप दोनों को एक जगह पे नहीं जाना, आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है। मतलब जहाँ पे आपका एनिमी जा रहा होगा ना, आपको वहां से हट जाना है। एंड अगर आप दोनों एक जगह पे उतरते हो तो आप दोनों के पास एडवांटेज रहेगा। मतलब जहां पे आप उतर रहे हो वहां पे एक और एनिमी उतर रहा है, ठीक है, एंड उस एनिमी को सबसे पहले गन मिल जाती है, तो ऐसे में वो एनिमी आपको बहुत ही आसानी से मार देगा। एंड अगर आप लोग सबसे पहले उतरते हो एंड आप लोगों को गन मिल जाती है, तो ऐसे में आप सामने वाले एनिमी को बहुत इजीली मार सकते हो, तो ऐसे में एडवांटेज दोनों साइड होगा। मतलब अगर एनिमी को गन मिल गई तो वो आपको मार देगा एंड आपको गन मिल गई तो आप एनिमी को मार दोगे। बट भाई लोग, आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। मतलब जहाँ पे आपका एनिमी उतर रहा है आपको बस वहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, आपको कहीं और पे उतर जाना जहाँ पे आपको अच्छे से लूट मिल जाए या फिर थोड़े से दूर उतरना है। एंड अगर आप लोगों के पास एक अच्छी सी लूट हो जाती है तब आप वापस आके एनिमी को किल कर सकते हो, बट ऐसे में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो भाई लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई लोग, हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है वो है आपका हेडफोन। तो भाई लोग, अगर आप लोग हीरोइक जाना चाहते हो एंड अपनी रैंक को करना चाहते हो, तो ऐसे में गाइस आपको ऑलवेज हेडफोन का यूज करना है। तो अगर आप लोग हेडफोन पहन के खेलते हो एंड अगर आपके आसपास कोई एनिमी होता है तब आप उसको उसके फुटस्टेप से पहचान सकते हो कि एनिमी कहां पर है। एंड यहां पर आप लोग हेडफोन का यूज देखो कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे एंड इसी वजह से मुझे पता चल गया कि मेरे नीचे कोई एनिमी है। एंड गाइस यहां पर मैंने इस एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर दिया। तो भाई लोग, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने हेडफोन की हेल्प से एनिमी को कितनी आसानी से किल कर दिया। सो अगर आप लोग सोलो में अपनी रैंक को पुश कर रहे हो तो प्लीज हेडफोन का यूज जरूर करना। एंड भाई लोग, यहां पे पेड़ के पीछे एक एनिमी छुप रहा था तो मैंने इसको भी बहुत इजीली किल कर दिया। एंड इसको लग रहा था कि मैंने इसको देखा नहीं, बट मैंने इसको पहले से ही देख लिया था। एंड इसी के साथ हमारे 2 किल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी 22 बंदे अलाइव हैं। एंड भाई लोग, अभी हमारा जोन बहुत बड़ा है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे। एंड भाई लोग, अगर आप लोग भी अपनी रैंक को प्लस करना चाहते हो तो गाइस आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइव करना कोई गलत बात नहीं है। हर एक प्रो प्लेयर सर्वाइव करता है जो कि अपनी रैंक को पुश करता है। एंड आप लोग ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स को ही देख लो कि वो भी अपनी मैच को एकदम एंड तक लेके जाने के लिए सर्वाइव करते हैं एंड इसी वजह से उनका रैंक काफ़ी ज़्यादा प्लस होता है। तो भाई लोग, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे एंड गाइस मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि आपका कीमती टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई लोग, यहाँ पे हम आ चुके हैं भीमा शक्ति के टावर के पास। एंड भाई लोग, जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक गुलुआ लगी है एंड इससे मैं समझ गया कि मेरे आसपास कोई एनिमी है। एंड गाइस, मैंने हेडफोन पहन रखे थे तो मुझे पता चल गया कि मेरे आसपास कोई एनिमी है। एंड यहाँ पर जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे एक एनिमी दिखा एंड इसको भी मैंने बहुत ही ओपी वाले वन टैप के साथ किल किया। तो भाई लोग, अगर आपको ये वन टैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसी के साथ हमारे 3 किल कम्प्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी 14 बंदे लाइव हैं। तो भाई लोग, मैं इधर से जा रहा था एंड यहाँ पर मुझे एक और एनिमी दिखा एंड यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि जैसे एनिमी ओपन में आया मैं उसको डैमेज दूंगा। एंड यहाँ पर एनिमी जैसे थोड़ा सा ओपन में निकला मैंने उसको बहुत ही इजिली वन टैप के साथ किल किया। एंड गाइस, आप ये जो गेम प्ले देख रहे हो सिर्फ 2 GB रैम के डिवाइस का है, तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करना तो बनता है। एंड गाइस, अगर आप लोग सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने 2 या 3 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। एंड भाई लोग, आप लोग ये भी कमेंट करना कि आप कौन से डिवाइस में खेलते हो, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB या 8 GB, कौन से डिवाइस में खेलते हो। एंड भाई लोग, यहाँ पे एक ड्रॉप था जिसे मैं लूटने आया था एंड यहाँ पर एक एनिमी ने मुझे डैमेज दिया, तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से गुलवा लगाते हुए उसके साइड में जा रहा हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देखो कि मैं ओपन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड भाई लोग, मैं यहाँ पे गुलवा लगा के एनिमी के पास गया एंड एनिमी को बहुत इजीली किल कर दिया। तो भाई लोग, यहाँ पे आप लोग देखो कि जब मैं एनिमी के ऊपर रश किया तो मैंने कवर लेके रश किया,
क्योंकि अगर मैं ओपन में रश करता तो एनिमी मेरे को बहुत ही आसानी से मार देता। तो अगर आप लोग भी किसी एनिमी से फाइट ले रहे हो या फिर किसी एनिमी के ऊपर रश कर रहे हो तो ऐसे में आप कवर का पूरा यूज करा करो, ठीक है। आपके पास जितनी भी ग्लू वॉल हो, एक हो, दो हो, दस हो, कितनी भी ग्लू वॉल हो, ठीक है, आप उस ग्लू वॉल का पूरा यूज करा करो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जिनके पास 10-20 ग्लू वॉल होते हैं बट वो लोग फिर भी उसका यूज नहीं करते हैं। एंड जब कोई एनिमी उनको डैमेज देता है तो वो प्रोनेस दिखाने के चक्कर में एकदम ओपन में घूमते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जितनी भी ग्लू वॉल हो, चाहे एक हो, दस हो, बीस हो, कितनी भी ग्लू वॉल हो, आपको उनका पूरा यूज करना है। क्योंकि आप ग्लू वॉल को लेके घर तो जाओगे नहीं, आपको गेम में ही उसका यूज करना है। तो अगर आप ग्लू वॉल रखोगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप मर जाते हो तो ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास जितनी भी ग्लू वॉल है आप उनका पूरा यूज करा करो। एंड जब भी आप किसी एनिमी से फाइट लो तो आप ट्राई करो कि आप किसी कवर में रहो, ठीक है। आप कभी भी ओपन में रह के फाइट मत लेना क्योंकि ये सोलो मैच है एंड यहाँ पर एनिमी पहले से जाल बिछा के बैठता है। क्योंकि अगर आप दो लोग लड़ रहे हो तो तीसरा एनिमी आपके पीछे से मजे लेने का ट्राई करेगा। तो ऐसे में आपको ऑलवेज कवर का यूज करना है, आपको कवर में रह के फाइट लेना है। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट जोन बन चुका है। एंड भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं जोन के अंदर कैसे जा रहा हूँ। मतलब गाइस मैं जोन के बिल्कुल साइड से होके जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मिडल से होके जाता तो मुझे चारों तरफ से डैमेज पड़ने के चांसेस थे। एंड गाइस आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग को चारों तरफ से डैमेज पड़ता है तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर एक बार हमारे ऊपर चारों तरफ से डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाए तो हमारा मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड गाइस हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको गाइस ऑलवेज जोन के साइड से होके जाना है। एंड गाइस ये टिप मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा लास्ट जोन बन चुका है। एंड गाइस यहाँ पे सिर्फ एक बंदा अलाइव है, मतलब 1v1 का सिचुएशन है। एंड भाई लोग जब भी आपका 1v1 का सिचुएशन हो तो ऐसे में आपको कभी भी ओपन में नहीं निकलना है। एंड भाई लोग आप लोग यहाँ पे देखो कि सामने वाले एनिमी को मेरे लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे मैं एकदम कवर में हूँ। एंड गाइस एकदम सेफ हूँ क्योंकि एनिमी को मेरे लोकेशन के बारे में पता नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि एनिमी इस साइड में आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कवर में गया, ठीक है। एंड भाई लोग एनिमी अभी भी कन्फर्म नहीं है कि मैं इस साइड में हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एनिमी जैसे मेरे थोड़े से पास में आया, मैंने यहाँ पे नेड करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आप लोग के पास भी नेड वगैरह है एंड अगर आपके सामने 1v1 का सिचुएशन है तो गाइस आप वहाँ पे नेड का पूरा यूज करा करो, ठीक है। एंड भाई लोग यहाँ पर जैसे एनिमी थोड़े ओपन में आया मैंने इसको भी बहुत ही ओपी वाले वन टैप के साथ किल किया। एंड भाई लोग यहाँ पे हमारा 6 किल के साथ भुया हो चुका है। एंड गाइस ये जो आप गेम प्ले देख रहे थे ये 2GB रैम के डिवाइस का था। तो आपको ये गेम प्ले कैसा लगा एंड आपको इस वीडियो के वन टैप वगैरह कैसे लगे ये भी कॉमेंट करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?